हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स जो है स्टार्ट कर दिया था। गाइस, इसके हमने दो वीडियोस बना लिए थे। उन वीडियोस में हमने पढ़ा था इवोपरेशन के बारे में, रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया था। गाइस, हमने क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ लिया था, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारे दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, उनके लिए मैंने दोनों पार्ट्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, ओके? तो गाइस, सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिएगा, ओके गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके? सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हाई क्लाउड्स। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। दीज क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स। गाइस, हाई क्लाउड्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर आइस पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू सीरस, सीरो क्यूमुलस एंड सीरो स्ट्रेटस। समझ में आ गया गाइस? हाई क्लाउड्स जो है वो तीन टाइप में क्लासिफाइड है। कौन से? सीरस, सीरो क्यूमुलस और सीरो स्ट्रेटस। समझ में आ गया? आप लोग जो बगल में पिक्चर दिया गया है वहाँ पे भी देख सकते हो, ओके? तो चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। सीरस क्लाउड्स आर मेनली विस्पी। जो सीरस क्लाउड्स रहते हैं गाइस, वो ज़्यादातर विस्पी रहते हैं। विस्पी मतलब क्या होता है गाइस? बहुत ज़्यादा हल्के, ओके? आगे देखते हैं। सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक ग्रुप ऑफ स्मॉल वेव्स। और सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स जो रहते हैं ये इस तरह से दिखते हैं कि स्मॉल वेव्स जो है वो ग्रुप में जा रही हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? तो चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोग को अच्छे से। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये पिक्चर जो है सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स का है। समझ में आ गया? तो आप लोग देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, स्मॉल वेव्स की तरह। समझ में आ गया गाइस आपको? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके? सो चलिए आगे देखते हैं गाइस क्या बताया गया है। सीरो स्ट्रेटस आर लाइक अ बेड शीट विथ व्रिंकल्स। गाइस, क्या बताया गया है? जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है सीरो स्ट्रेटस, वो किस तरह से दिखते हैं? बेडशीट की तरह, और उनमें व्रिंकल्स होंगे ऐसा बताया गया है। व्रिंकल्स मतलब क्या होता है गाइस? फोल्ड्स, मतलब फोल्ड्स बेडशीट रहेगा ऐसा। समझ में आ गया आपको गाइस? तो गाइस, मैं इसका भी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके? सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स का है, ओके? तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह से एक बेडशीट की तरह दिख रहा है, और उस बेडशीट में जो है व्रिंकल्स आ चुके हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? तो चलिए ये पिक्चर भी हमने समझ लिया, ओके गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो गाइस, क्या बताया गया है देख लेते हैं। दे जनरेट अ हालो अराउंड देम। जो सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स रहते हैं गाइस, उनके अराउंड हालो रहता है। हालो मतलब क्या होता है गाइस? अ सर्कल ऑफ लाइट। समझ में आ गया? मतलब एक सर्कल रहता है लाइट का। समझ में आ गया गाइस आपको? गाइस, इसका भी मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो। ये पिक्चर जो है सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स का है, और आपने हालो जो है वो देख लिया होगा, किस तरह से लाइट का जो है सर्कल बना हुआ है, देख लिया गाइज आपने। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, ओके? मीडियम क्लाउड्स। तो चलिए देखते हैं गाइज एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। दिस इंक्लूड्स अल्टो क्यूमुलस एंड अल्टो स्ट्रेटस। सो गाइज, क्या बताया गया है? मीडियम क्लाउड्स जो है वो दो टाइप में क्लासिफाइड है। कौन से? अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अल्टो क्यूमुल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड हैव अ वेव लाइक स्ट्रक्चर। गाइज, क्या बताया गया है? अल्टो क्यूमुल्स जो है वो सिमिलरली एग्जैक्टली सेम किसकी तरह रहता है? सीरो क्यूमुलस की तरह। समझ में आ गया? बट इनका जो एल्टीट्यूड रहता है वही डिफरेंट रहता है। समझ में आ गया? एल्टीट्यूड के हिसाब से इनके नाम बताए गए हैं, ओके गाइस? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दे आर मोस्टली व्हाइट इन कलर। और ये जो क्लाउड्स रहते हैं मोस्टली व्हाइट कलर के रहते हैं, एंड हैव अ ग्रे शेड। और इनका शेड जो रहता है वो ग्रेइश रहता है। अल्टो स्ट्रेटस आर नॉट वेरी थिक। क्या बताया गया है गाइज? अल्टो स्ट्रेटस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, ओके? द सन कैन बी सीन थ्रो देम एज इफ सीन थ्रो अ मिल्की ग्लास। क्या बताया गया है गाइज? अल्टो स्ट्रेटस से जो है हम लोग सन देख सकते हैं, ऐसा लगेगा देखते समय कि हम लोग एक मिल्की ग्लास से देख रहे हैं, मतलब एक ग्लास में मिल्क डाला हुआ है और हम लोग उसके थ्रू देख रहे हैं, ऐसा फील होता है। समझ में आ गया गाइज? लो क्लाउड्स। गाइस, देखते हैं चलिए लो क्लाउड्स में क्या एक्सप्लेनेशन बताया गया है। दिस कंसिस्ट ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। गाइस, क्या बताया गया है? लो क्लाउड्स जो है वो फाइव टाइप्स में क्लासिफाइड है। स्ट्रेटो क्यूमुलस हैव लेयर्स। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है स्ट्रेटो क्यूमुलस, और उसको लेयर्स रहते हैं, ओके? देयर कलर इज व्हाइट टू अर्थी। क्या बताया गया है गाइस? उनका कलर जो रहता है वो कैसा रहता है? व्हाइट टू अर्थी, मतलब कैसा रहता है? सॉइल के कलर का रहता है, ओके? गाइस, मैं इसका भी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके? सो गाइज, आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो क्लाउड्स का कलर दिखाया गया है उसमें से थोड़ा सा
ब्राउनिश कलर दिख रहा है, सॉइल टाइप का कलर दिख रहा है, ओके okay? इसीलिए बताया गया है इनका कलर कैसा रहता है, वाइट टू अर्थी। समझ में आ गया गाइज आपको? तो गाइज क्या बताया गया है देख लेते हैं, राउंड क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड्स कैन बी हियर, मतलब क्या बताया गया है, राउंड क्लस्टर्स मतलब राउंड ग्रुप्स जो रहते हैं यहाँ पे क्लाउड्स के रहते हैं। समझ में आ गया? स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑल्सो हैव लेयर्स, गाइज क्या बताया गया है, स्ट्रेटस क्लाउड्स जो रहते हैं उनमें भी लेयर्स रहता है, ओके। दे आर एश कलर्ड एंड देयर बेस इज यूनिफॉर्म, क्या बताया गया है गाइज, वो एश कलर्ड के रहते हैं, एश कलर्ड मतलब क्या होता है, ग्रेइश कलर, और उनका जो बेस रहता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, मतलब वो बेस जो है चेंज नहीं होता है, वो स्टेडी पोजिशन पे ही रहता है। समझ में आया? मतलब चेंज ही नहीं होता है एक बार भी। आगे देखते हैं, चलिए, निम्बोस्ट्रेटस हैज थिक लेयर्स, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है गाइज वो है निम्बोस्ट्रेटस का, और उसके बारे में क्या बताया गया है, उनका लेयर जो रहता है वो रहता है थिक। समझ में आ गया? थिक मतलब होता है बिगर साइज का। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं, दे आर ग्रे एश इन कलर, वो भी जो है वो ग्रे एश कलर के ही रहते हैं, एंड कॉज कंटिन्यूअस रेनफॉल एंड अनइवन स्नोफॉल, और इनकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअस रेनफॉल होता रहता है गाइज, ओके, और अनइवन स्नोफॉल भी होता है, मतलब क्या होता है, मतलब कभी भी स्नोफॉल होता है। समझ में आ गया गाइज आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और क्या बताया गया है देख लेते हैं। गिव इट अ ट्राई, लुक एट फिगर 3.8 फर्स्ट, नाउ गो आउट ऑफ द क्लासरूम इन द ग्राउंड, ऑब्जर्व द क्लाउड्स इन द स्काई, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द क्लास एंड राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। गाइज क्या बोला गया है, 3.8 फिगर जो है क्लाउड्स का जो टाइप का फिगर है वो देख के हम लोग को एक एक्टिविटी दिया गया है, तो गाइज ये एक्टिविटी जो है आप लोग खुद कर लीजिएगा, ओके, सिंपल सा एक्टिविटी है और ये पॉसिबल भी नहीं है हमारे वीडियो में करने के लिए, ओके okay? चलिए क्यूमुलस क्लाउड्स, तो चलिए देख लेते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स में क्या बताया गया है। दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम 500 मीटर टू 6000 मीटर एल्टीट्यूड। गाइस क्या बताया गया है, ये क्लाउड जो है फॉर्म कहां पे होते हैं, 500 मीटर से लेके 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पे, मतलब हाइट पे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज क्लाउड्स, और क्या बताया गया है गाइस, वर्टिकल फ्लो, वर्टिकल फ्लो मतलब क्या होता है, अप से लेके डाउन का फ्लो जो रहता है एयर का, वो फॉर्मेशन करवाता है और क्लाउड्स जो है बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं, दीज आर ह्यूज एंड डोम शेप्ड, क्या बताया गया है, ये क्लाउड्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ह्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े और डोम शेप के रहते हैं, डोम शेप मतलब क्या होता है, हाफ राउंड। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, चलिए, दे आर ग्रे इन कलर, गाइस ये क्लाउड्स भी जो है ग्रेइश कलर के ही रहते हैं, ओके। आगे देखते हैं, चलिए, क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लीजेंट वेदर, क्या बताया गया है गाइस, क्यूमुलस क्लाउड्स जो रहते हैं ये इंडिकेट करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि वेदर कैसा है, प्लीजेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना आज मौसम बहुत अच्छा है, तो उस टाइम पे जो है ज्यादातर क्यूमुलस क्लाउड्स रहते हैं स्काई में। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं, चलिए, द वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ दिस क्लाउड्स इंक्रीजेस सो मच दैट दे टर्न इनटू क्यूमुलोनिम्बस, गाइस क्या बताया गया है, इनका वर्टिकल फ्लो इतना बढ़ जाता है कि वो टर्न हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, क्यूमुलोनिम्बस में, ओके गाइस आप लोग पिक्चर देख सकते हो, यहां पे दिया गया है 3.9 वाला, वही पिक्चर है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का, ओके, एंड ब्रिंग रेन, और क्या बताया गया है गाइस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रेन मतलब बरसात होने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तो चलिए देखते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर क्या बताया गया है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड व्हिच आर इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, गाइस क्या बताया गया है, ये ऐसे क्लाउड्स है जिनकी क्वालिटी इंडिकेट करवाती है कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है। थंडरस्टॉर्म मतलब क्या होता है गाइस, तूफानी बारिश, एकदम आंधी तूफान आता है, ओके, ये क्लाउड्स रहेंगे तो इंडिकेशन हो जाता है अपने आप कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है। देखते चलिए आगे क्या बताया गया है, दिस लुक लाइक ह्यूज माउंटेन्स, और ये क्लाउड्स जो है वो कैसे दिखते हैं, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह दिखते हैं, ओके, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो गाइस यहां पे, ओके। आगे देखते हैं, चलिए, दिस आर डेंस एंड डार्क इन कलर, ये क्लाउड्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डेंस मतलब बहुत ही ज्यादा घने रहते हैं और डार्क कलर के रहते हैं एकदम। समझ में आ गया, देयर इज थंडर अकंपनीड बाय लाइटनिंग, और क्या बताया गया है, जब भी ऐसे क्लाउड्स रहेंगे उस समय थंडर मतलब लाइटनिंग जो बिजली गड़कती है वो इस क्लाउड्स के टाइम पे होता ही है। समझ में आ गया गाइज आपको? आगे देखते हैं, दे ब्रिंग रेन विथ स्टॉर्म एंड मे समटाइम ब्रिंग हेलस्टोन्स, गाइज क्या बताया गया है, जब भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स रहेंगे उस टाइम पे रेन मतलब बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी एकदम, या फिर समटाइम्स क्या हो सकता है, हेलस्टोन्स भी गिर सकते हैं।
चीजें हैं गाइज। हेलस्टोन्स मतलब क्या होता है? फ्रोजन रेन, मतलब बारिश की जो बूंदे रहती है वो एकदम से पूरी तरह से क्या हो गई रहती है, एकदम बर्फ बन चुकी रहती है, ओके, और वो आसमान से बर्फ के फॉर्म में ही गिरता है। समझ में आ गया गाइज? आप लोग ध्यान रखिएगा, स्नो और हेलस्टोन जो है दोनों अलग है, ओके गाइज। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर है हेलस्टोन्स का। समझ में आ गया? किस तरह से आप लोग ने देख लिया होगा कि कितने छोटे छोटे से बर्फ के टुकड़े हैं, ओके, तो ये बारिश के फॉर्म से ही नीचे आए रहते हैं। समझ में आ गया? ये स्नोफॉल नहीं है गाइज, ओके, ये चीज याद रखिए, ओके गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। गाइज क्या बताया गया है देख लेते हैं चलिए। बट सच अ टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग। क्या बताया गया है गाइज? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जो भी रेन आता है, तूफानी बारिश आती है, जो बर्फ की बूंदे नीचे गिरती है, वो ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। समझ में आ गया? एक टाइम आके जल्दी से वो स्टॉप हो जाता है, ओके। आप लोग देख सकते हो फिगर 3.9 में बताया गया है यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में, ओके। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में और आगे क्या बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। The largest of these clouds bring rainfall accompanied with lightning. क्या बताया गया है guys? ऐसे क्लाउड जब लार्ज फॉर्म में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है और लाइटनिंग मतलब बिजली भी गरजती है। समझ में आ गया guys आपको? आगे देखते हैं चलिए। द टॉप पोर्शन ऑफ दिस क्लाउड्स हैज एन अनवेल लाइक शेप। क्या बताया गया है गाइस? इसका जो टॉप पोर्शन रहता है, मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का जो टॉप पोर्शन रहता है, वो किस तरह से दिखता है, एक शेप दिया गया है गाइस, उसका नाम है अनवेल शेप। गाइस मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझेगा, ओके। सो गाइस आप लोग यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है वो देख सकते हो, ये शेप जो है उस शेप का नाम है एनविल शेप। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके गाइस। क्या बताया गया है देख लेते हैं चलिए। द क्लाउड्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड। क्या बताया गया है गाइस? ऐसे जो क्लाउड्स रहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस वाले क्लाउड्स जो रहते हैं, उनके अपर एंड पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज, ये चीज याद रखिएगा गाइस, ओके। एंड नेगेटिव चार्ज एट द लोअर एंड। और क्या बताया गया है? जो लोअर एंड रहता है वहां पे कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, ओके। आप लोग ये चीज भी ध्यान में रखिएगा गाइस, ओके। आगे देखते हैं चलिए। द लैंड बिलो always has negative charge. Guys, यहाँ पे एक mistake हो गया है, जो land के बारे में बताया गया है आपकी textbook में, negative charge जो दिया गया है वो actually में positive charge है, okay? Guys, मैं आपको इसका picture भी दिखा दूंगा, आगे देखते हैं चलिए, आपको समझ में आ जाएगा, okay? तो आप लोग जो negative charge लिखा गया है उसे positive कर दीजिए, okay? चलिए देख लेते हैं explanation में क्या बताया गया है। The land below them always has पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए जो लैंड रहता है नीचे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नीचे जो लैंड रहता है, वहां पे कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन दिया चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म्ड एंड लाइटनिंग ऑकर्स। क्या बताया गया है? अभी डिफरेंस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट? तो डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है? लाइटनिंग ऑकर होता है, ओके, मतलब बिजली गरजती है, याद रखिएगा आप लोग, ओके। लाइटनिंग अप द स्काई फॉर अ मूवमेंट। और क्या बताया गया है? पूरा स्काई जो है वो थोड़े मूवमेंट के लिए, एक सेकंड के मूवमेंट के लिए क्या हो जाता है? लाइटनिंग, मतलब अचानक से रोशनी आ जाती है, आपने देखा रहेगा गाइस लाइटनिंग, ओके। आगे देखते हैं चलिए। द एयर अराउंड द लाइटनिंग राइजेस अप बिकॉज ऑफ द हीट एंड इट लीड्स टू अ लार्ज थंडरिंग साउंड। और क्या बताया गया है गाइज? जो एयर रहता है लाइटनिंग के बाजू में, वो क्या हो जाता है? हीट की वजह से पूरा राइज अप हो जाता है और इसी वजह से थंडरिंग साउंड जो रहता है, मतलब बिजली गरजती है, जो आवाज आता है ना, वो प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया आपको गाइज अच्छे से? तो चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। As compared to other clouds, the rain drop of these clouds are larger because they move up and down a lot of time and accumulate more and more water. क्या बताया गया है guys? As compared to other clouds, मतलब दूसरे clouds से अगर compare करें, cumulonimbus clouds के अंदर बहुत ज़्यादा rain रहता है, okay? बहुत ज़्यादा rain drops रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये clouds का size जो है बड़ा रहता है ना, तो इसीलिए ये up and down movement होता है और इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा water जो है वो क्यूमुलेट हो जाता है। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं चलिए। ड्रॉप्स बिकम लार्जर एंड आर अनेबल टू फ्लोट इन द क्लाउड बिकॉज ऑफ देयर वेट। अब क्या बताया गया है? ड्रॉप्स जो है वो ज्यादा साइज में बड़े हो जाते हैं, एकदम ज्यादा ज्यादा बड़े होते हैं, और फिर उसी के बाद क्या हो जाता है? ज्यादा वजन हो गया तो वो फ्लोट नहीं हो पाते हैं क्लाउड्स में, ओके, उनके वजन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर वही
फ्लोट नहीं हो पाया, फिर उसी के बाद वही जो ड्रॉप है वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड इज वेरी कोल्ड। क्या बताया गया है? कभी कभी क्या होता है, जो एयर रहता है क्लाउड्स में वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। एज अ रिजल्ट दीज ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ हेल। गाइज जैसे कि मैंने आपको हेल स्टोन के बारे में बता दिया था, क्या होता है कभी कभी क्लाउड्स में जो है एयर जो है बहुत ज्यादा कूल रहता है और इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो भी ड्रॉप्स रहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से स्टोन की तरह बन जाते हैं फ्रीज होके, ओके, और वही स्टोन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हेल बोला जाता है, ओके, और जो स्टोन नीचे गिरते हैं उनको बोला जाता है हेल स्टोन। ओके गाइज समझ में आ गया आपको? वी कॉल देम हेल स्टोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग क्या बोलते हैं उसे, हेलस्टोन्स बोलते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो गाइस हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि किस तरह से ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो रहता है उसका अपर एंड कैसे चार्ज का रहता है, पॉजिटिव चार्ज का रहता है, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। ओके चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग ने पढ़ लिया था ये एक और चीज कि जो एंड रहता है क्लाउड्स का वो कौन से चार्ज का रहता है, नेगेटिव चार्ज का रहता है। और एक और चीज मैंने आपसे करेक्शन करवाई थी, वो क्या था कि जो लैंड रहता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नीचे वो लैंड जो रहता है टेक्स्ट बुक में लिखा गया है नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैंने आपसे करेक्शन करवाया और मैंने बताया ये कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देख सकते हो प्लस का साइन दिया गया है। ओके गाइज तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में और क्या बताया गया है। यूज योर ब्रेन पावर, फाइंड वेयर द एडजेसेंट सिंबल्स आर यूज्ड व्हाइल शोइंग द वेदर ऑफ अ प्लेस, राइट द मीनिंग्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। क्या बताया गया है गाइस? ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तीन पिक्चर्स देख सकते हो आप लोग। इन पिक्चर्स के बारे में क्या बताया गया है कि ये वेदर क्या बताता है, जब ये फर्स्ट पिक्चर रहता है, सेकंड पिक्चर रहता है, थर्ड पिक्चर रहता है, उस समय हम लोग को क्या इंडिकेशन मिलता है, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। फर्स्ट जो पिक्चर है वो है ब्राइट सन का, तो इसका मतलब रहता है, इसका इंडिकेशन रहता है क्लियर स्काई है और कोई भी चांसेस नहीं है रेन का, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्लियर स्काई, नो चांस ऑफ रेन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो एक क्लाउड दिया गया, मतलब थोड़े से क्लाउड है और सन भी थोड़ा दिख रहा है, तो इसका इंडिकेशन क्या है, मीडियम क्लाउडी स्काई, मतलब स्काई कैसा रहेगा, मीडियम क्लाउडी। और नेक्स्ट जो है वो है चांस ऑफ लाइट रेन, मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। समझ में आ गया आपको? और जो लास्ट पिक्चर है पूरे घने बादल बताए गए हैं और बारिश भी हो रही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्लाउडी स्काई। समझ में आ गया? मतलब पूरी तरह से स्काई जो है भर चुका है क्लाउड से, साथ ही साथ चांसेस ऑफ हैवी रेन, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है हैवी रेन होने के। समझ में आ गया गाइज आपको? सो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट जो है क्या बताया गया है। डू यू नो क्लाउड बस्ट इज अ टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। गाइस क्या बताया गया है, क्लाउड बस्ट जो रहता है वो एक टाइप का प्रिसिपिटेशन रहता है। गाइस प्रिसिपिटेशन मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बता दिया था क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर, मतलब एटमोस्फियर के अंदर से जो भी एयर रहता है उससे क्या क्रिएट होता है, वाटर क्रिएट होता है। समझ में आ गया? आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके तो चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। रेन ड्रॉप्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ आर स्टॉप्ड इन द क्लाउड्स इटसेल्फ। क्या बताया गया है, रेन ड्रॉप्स जो रहते हैं अर्थ की तरफ जो आते हैं, मतलब जो बारिश गिरती है, वो बारिश गिरने से पहले वो जो बूंदे हैं वो क्लाउड में ही स्टॉप हो जाती है वहीं पे। देखते क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड जो है फ्लो होता रहता है। समझ में आ गया? मतलब विंड्स की वजह से वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है बूंदे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। दिस ड्रॉप्स चेंज इनटू हेल। गाइस जैसे कि हमने पढ़ लिया था, हवा जो है बहुत तेज रहती है, कोल्ड रहती है, इसी वजह से वो ड्रॉप्स जो है वो हेल में क्रिएट हो जाते हैं, मतलब फ्रीज हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। दिस मेक द क्लाउड्स हैवियर। इसके वजह से क्या हो जाता है, क्लाउड्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, मतलब वजनदार हो जाते हैं। द वर्टिकल विंड आर अनेबल टू बेयर दिस वेट। और क्या बताया गया है, जो भी वर्टिकल विंड, मतलब जो विंड फ्लो होता रहता है, वो उस वेट को सह नहीं पाता है। अनेबल टू बेयर मतलब सह नहीं पाना। समझ में आ गया? मतलब वो वेट को सह नहीं पाता है। उसके आगे क्या बताया गया है, दिस लीड्स टू हैवी रेनफॉल विथ लार्ज साइज हेल। क्या बताया गया है, इसी वजह से जो वजन जो है वो सह नहीं पाते हैं क्लाउड्स, इसी वजह से बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होता है और कभी कभी लार्ज साइज के हेल, मतलब बर्फीला बूंदे जो है, बर्फीली बूंदे जो है वो भी जमीन पे गिरती हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। दिस इज कॉल्ड क्लाउड बस्ट। इसी चीज को क्या बोला जाता है गाइस, क्लाउड बस्ट। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। इट लीड्स टू अ रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 मिलीमीटर्स इन अ स्मॉल एरिया और
पर्टिकुलर रीजन। क्या बताया गया है, इसी वजह से जो रेनफॉल होता है उसका मेजरमेंट बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीमीटर का रेनफॉल हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन में। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन मेनली ऑकर इन माउंटेनियस रीजन। क्या बताया गया है, ऐसे टाइप का जो प्रिसिपिटेशन है वो कहाँ पे दिखाई देता है, मोस्टली माउंटेनियस रीजन, मतलब जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा रहेंगे वैसे वाले रीजन में ये टाइप का प्रिसिपिटेशन होता है। ओके गाइज, आगे दे चलिए। द स्टेट थ्रू विच द हिमालयन रेंज पास एक्सपीरियंसेस सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल। क्या बताया गया है गाइज कि ऐसा स्टेट कौन सा, हिमालयन रेंज वाले जो खास करके स्टेट रहते हैं वो ऐसे टाइप के रेनफॉल जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ओके मतलब वहां पे ऐसे टाइप के रेनफॉल जो हेल स्टॉर्म वाले जो रेनफॉल है वो ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको अच्छे से, होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, राइट गाइस। तो चलिए हमारा चैप्टर जो है आज यहां पे खत्म होता है, आपको अच्छे से समझ में। सो होप सो गाइज आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। गाइज अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो या फिर डाउट पूछना चाहते हो तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भरपूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।